ये पिक्चर आप लोग देखो थोड़ी देर के लिए, और आप लोगों को अंदर से दिल को थोड़ी सी शांति मिलेगी। ये जो पिक्चर नहीं है, बेसिकली एक छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के सामने ये चल रही है। इसे बोला गया कि जो वाटर होते हैं, वेटलैंड होते हैं एंड लाइफ होती है, ये इनसेपरेबल है, यानी कि आप लोग इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ये ऐसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होती हैं। और इसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट डे भी मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, जिसके साथ में हम लोग अपना लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। पर लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ आइए बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कोटेशन के बारे में, उसके बाद में फिर हम लोग ये डे देखेंगे जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है, आप लोगों में से एक बच्चे के द्वारा ये कमेंट किया गया कि परीक्षा से डर लग रहा है, तो पहले डर लो बाद में पढ़ लेना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होते। बेसिकली क्या है, देखिए आप लोग अगर किसी काम को करने बैठते हो और आप लोगों का मन भी नहीं कर रहा है, तो बेमन से जब आप लोग किसी काम को करने बैठते हो ना, तो वो काम हो तो जाता है जैसे तैसे करके, पर लेकिन वो काम ऐसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए था। तो इसीलिए हमेशा अगर किसी काम को कर रहे हो तो उसको दिल लगाकर करो, जान लगाकर करो, ताकि वो काम होने के बाद में आप लोग अंदर से सेटिस्फाई हो सको कि यार टाइम तो दिया है पर लेकिन टाइम को यूटिलाइज किया है। जैसे कल मैंने बजट की वीडियो बनाई, वो वीडियो बनाने में मुझे काफी टाइम लग गया मुझे लगभग 4 घंटे लग गए उसको पूरा पढ़ने में, फिर उसको वीडियो को मतलब रिकॉर्ड करने में, रिकॉर्ड करने के बाद में फिर उसको डिकोड करने में, फिर अपलोड करने में, तो काफी टाइम लग गया मुझे उस वीडियो को बनाने में। मैंने बोला था कि वीडियो जो है वो लगभग 5 बजे आ जाएगी, पर लेकिन 6 बजे वो वीडियो अपलोड हुई, फिर अपलोड भी क्योंकि लंबी हो गई वीडियो, तो अपलोड करने में फिर टाइम लगा। तो इस तरीके से, पर लेकिन जब वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद में मुझे एक सुकून मिला कि हाँ यार पूरे अच्छे से मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। पर लेकिन अगर जल्दबाजी में रिकॉर्ड कर कर ऐसे ही अपलोड कर देता तो ये लगता है यार पढ़ाया तो, पर लेकिन वो मजा नहीं आया। तो अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, और वो सेटिस्फेक्शन ही सारी जो चीजें होती हैं, जो कोई भी काम आप लोग करने बैठते हैं उसके बाद में वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही सारी चीजों का रिजल्ट होता है। अगर सेटिस्फेक्शन मिल गया किसी काम को करने में तो मजा है, वरना वो काम करना सजा है। अब आप लोग देख लीजिए, उस काम को मजे में रखना है या फिर सजा में रखना है, ये आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा कमेंट लगा। तो कोशिश ये कीजिए कि परीक्षा से डरना कैसा, जान तो लेगा नहीं, कुमका मेला तो है नहीं कि 6 साल बाद आएगा, 10 साल या फिर 12 साल बाद आएंगी चीजें। तो ये क्या है, फिर से आप लोगों के सामने एग्जाम आ रहा है, तो आप लोगों को बस एक काम करना है, अपना 100% देना है और बाकी छोड़ दो, फिर अपना लाइफ को एंजॉय करो, अपना 100% देके चीजों को भूल जाओ, बस ये काम कर लो, उसके बाद में जिंदगी देखना आप लोगों को हसीन लगने लगेगी। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्विज है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को यहां पर जो डिस्कशन आगे लेकर बढ़ूंगा। तो काफी अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़कर कल, जो आप लोगों ने सजेशन दिए, कई सारी चीजें आप लोगों ने बताई, कई सारे जब अपने अपने थॉट आप लोग लिखते हो तो उनको पढ़कर काफी अच्छा लगता है, और कई बार तो मुझे बहुत कुछ सारी चीजें जानने को मिलती है रियलिटी में, यार कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलती है जब आप लोग इस तरीके से अपने विचार रखते हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं पता होती है कई बार। ठीक है, तो आइए अब यहां पर आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन उनके साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन बात कर रहा है वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। तो वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, अब की बार थीम क्या है, हालांकि मैंने आप लोगों को दिखा दी स्टार्टिंग में, पर फिर भी आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए और आप लोग यहां पर थीम बताइए क्या है अब की बार की, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा अभी यहां पर, ये यहां पर 679 मेगावाट का ये लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यहां पर इनके अंदर, नेपाल के अंदर। तो ये हमारी कंट्री की एक कंपनी है जिसका नाम है SGVN, तो इसको यहां पर ये बिड मिली है, यानी कि बोली लगाएगी, तो इसने यहां पर ये बिड जीत ली है। तो ये कौन सी कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, बाकी न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है जो बंगाला, ठीक है, तो ये एक स्लोगन है जो रिसेंटली अभी वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है, नॉर्मली ये बांग्लादेश में ये स्लोगन देखने को मिलता था। तो एक पोयम लिखी गई थी, उस पोयम का टाइटल आप लोगों को बताना है, 1922 में ये पोयम लिखी गई थी, ये पोयम जो लिखी गई थी काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा ये पोयम लिखी गई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से इस टाइम पूछ लिया जाएगा कि ये कोई पर्टिकुलर पोयम थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। अब ये तो बोलेंगे नहीं कि वेस्ट बंगाल में, कि भाई साहब वेस्ट बंगाल में ना अभी रिसेंटली ना ये बोली लगा रहे थे या फिर नारे लगा रहे थे, तो ये नारे जो है कौन से राज्य में लगा रहे थे, तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ना पूछे कोई, आप लोगों से हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा यहां पर, तो ऐसे बैकग्राउंड के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों को बताना है INFAC, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। हमारी कंट्री की नेवी के पास में ये एक बहुत बड़ा एक जहाज टाइप में आप लोग एक सिस्टम आप लोग बोल सकते हो, जो कि जो INFAC T81, जो कि सुपर 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 डोरा MK सेकंड क्लास का ये अभी डीकमीशन कर दिया गया है, ये नेवल डॉकयार्ड जो मुंबई के अंदर में है। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में 20 साल तक इसके द्वारा सर्व की गई अपनी जो सर्विस है। इसके बारे में जानेंगे किस किस के द्वारा बनाया गया था, कब इसको कमीशन किया गया था, अभी इसको डीकमीशन कर दिया गया, यानी कि इसकी छुट्टी कर दिया, रिटायर कर दिया गया, मोटी मोटी भाषा में बोलो तो। ठीक है,
नेक्स्ट बात की जा रही है एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के बारे में। ये मिनिस्ट्री ये बोल रही है कि अगर आज की डेट में आप लोग जो व्हीकल है यानी कि जो भी आप लोग गाड़ी वगैरह जो यूज करते हैं अगर वो पुरानी है तो उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा। ग्रीन टैक्स मतलब आप लोगों को पुरानी चीजें यूज करने से रोक रहे हैं ताकि एनवायरमेंट को नुकसान न पहुंचे। ये ग्रीन टैक्स कितने से कितने तक लगाने की बात की जा रही है, कितना प्रतिशत रहेगा ये बताना है। ये कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है ये भी बताइए। STARS स्टार की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारी कंट्री में, इसी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी नई चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। BARC फुल फॉर्म क्या है इसकी आप लोगों को बताना है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी इसके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एजेंसी है मिलकर काम करेगी, एक रिसर्च रिएक्टर बना रहे हैं जिसके चलते एक कौन सी मेडिसिन ये बना रहे हैं, किस मेडिसिन के ऊपर काम किया जाएगा कि इससे ये मेडिसिन प्रोड्यूस की जाएंगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग लगा मुझे पढ़कर, तो आप लोगों को जानने में भी इंटरेस्ट आएगा। एक ऐसी जेल का नाम आप लोगों को बताना है जिसको अभी टूरिज्म के लिए खोला जा रहा है, यानी कि टूरिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी जेल के अंदर में। अब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि भाई साहब टूरिस्ट एक्टिविटी कैसी होगी यहां पर, तो 150 साल पुरानी यहां पर ये जेल है और ये वही जेल है जब गांधी जी का मन करता था तो जाकर इस जेल में पिकनिक बनाने जाते थे, ठीक है। तो ये पिकनिक बनाने वाली जेल है, तो इसका नाम आप लोगों को बताना है। मजाक कर रहा हूं उसको, उस तरीके से मत लेना कि गांधी जी की इंसल्ट कर दी और वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें नहीं है। बेसिकली वर्ड इसलिए यूज करता हूं ताकि एग्जाम में आप लोग इनको याद रख सको, क्योंकि कोई भी फनी मोमेंट कोई फनी बात उसके साथ में अगर जुड़ जाती है तो आप लोगों का दिमाग उसको कैच करता है, तो एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। कई सारे क्रिटिकल हो जाते हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए ये सारी चीजें पर, लेकिन फिर भी इस तरीके से कि ताकि आप लोग उसको याद रख सको, सिलेक्शन हो जाए। तो बाकी तो उनको वो ऐसी पर्सनैलिटी है कि उनके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, वो एक अलग लेवल की चीजें हो जाती हैं, बस ये छोटी सी बातें रहती हैं, ठीक है। तो अलग डायरेक्शन में मत सोचना। इंपोर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं, तो इंपोर्टेंट डे जो है यहां पर ये बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। वेटलैंड मतलब जहां पर थोड़ा गीला पानी टाइप में जो चीजें रहती हैं, जैसे आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी जो नदियां जो सॉरी लेक वगैरह हो गई, या फिर कहीं अगर जैसे चावल का खेत हो ना जहां पर चावल वगैरह लगाए जाते हैं, मूंजी लगाते हैं, धान बोलते हैं इसको बेसिकली, तो वहां पर भी उसको भी वेटलैंड में काउंट किया जाता है कई बार, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है यानी कि ये आर्द्र भूमि जो डे है ये आज के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वेटलैंड का रोल क्या है हमारी लाइफ में और हमारे प्लैनेट के ऊपर वेटलैंड का रोल क्या है। तो इसी के चलते जो थीम यहां पर रखी गई है ये थीम है यहां पर इसकी वेटलैंड एंड वॉटर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थीम है याद रखिएगा, ओके। अगर बात करो हमारी कंट्री में जैसे वेटलैंड के बारे में बात करें तो लिस्ट ऑफ रामसर साइट आप लोग जरूर देखिएगा, टोटल मिलाकर 42 रामसर साइट है हमारी कंट्री में। रामसर क्या है, ईरान के अंदर एक जगह है उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन साइन किया गया ताकि जो वेटलैंड है इनको सेव किया जा सके। तो ये जो रामसर कन्वेंशन जब साइन किया गया था तो ये साइन किया गया था 1971 में, पर लेकिन ये 1971 में ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था 1971 में क्या होता, हमारी कंट्री ने बांग्लादेश की हेल्प की थी बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, पर लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया 1975 में। तो कब किया गया, जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग गई, ठीक है। तो इसके साथ में मिलाकर आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो रामसर साइट के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की, हमारी कंट्री में कितनी है टोटल मिलाकर 42 रामसर साइट है अगर आज के दिन में आप लोगों से बात करूं तो। लेटेस्ट अभी जो रामसर साइट है वो कौन सी साइट को दर्जा दिया गया है ये क्वेश्चन आप लोग बताएगा यार, कल ना बड़े प्यारे क्वेश्चन के आंसर दिए गए एक बंदे के द्वारा, बताऊंगा वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को, मतलब कितने शानदार तरीके से आंसर दिए गए, मतलब देख के मुझे काफी अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। अगर आप लोग पहले नेपाल की लोकेशन देखोगे तो आप लोग चीजों को और अच्छे लेवल से अंडरस्टैंड कर पाओगे। नेपाल हमारी कंट्री के बीच में और चाइना के बीच में एक सैंडविच है। तो नेपाल आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहां पर वेस्ट बंगाल और सिक्किम, टोटल मिलाकर 5 राज्य हमारे ऐसे हैं जो नेपाल को टच करते हैं। तो नेपाल में जैसे आप लोग देखते हैं ये ऊपर वाला एरिया हो गया हिमालयन वाला रीजन, जैसे आप लोग यहां पर देखिए ये हिमालयन वाला रीजन हो गया। तो यहां से नदियां जो है वो बहकर हमारी कंट्री की साइड में आती है। तो यहां पर क्या करते हैं उसके ऊपर कई सारे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं नदियों के ऊपर, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं यहां पर। ये वाली पिक्चर भी आप लोग यहां पर देखते हैं, ये देखिए यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए कोई डैम लगा दिया, कोई बांध लगा दिया, तो बांध में से पानी आया, पानी आने से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से फिर जनरेटर चलेगा और इस जनरेटर से जब बिजली जाएगी तो यहां पर ये आप लोग देखते हैं यहां पर आप लोगों को बिजली देखने को मिलेगी। तो ये पूरा प्रोसीजर जो आप लोगों को दिख रहा है यहां पर, यहां से ये पानी जाना और फिर ये घूमना, आप लोगों को एक मूवी याद आ रही होगी स्वदेश, ये मूवी जो है वो शाहरुख खान की मूवी है, उसमें उसके द्वारा ये सेम सिस्टम फॉलो किया गया बिजली जनरेट करने के लिए, इनकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो
अगर यहां पर नेपाल में जो ऊंचे वाला एरिया है यहां से अब अगर पानी आता है तो फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो हमारी कंट्री की जो कंपनी है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो अभी यहां पर 679 मेगावाट का जो लोअर अरुण, अरुण यहां पर रिवर का नाम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है नेपाल के अंदर, तो हमारी कंट्री की SJVN जिसका क्या नाम है, इसका नाम है सतलुज जल विकास निगम, तो इसके द्वारा यहां पर अभी ये प्रोजेक्ट यहां पर ले लिया गया है। तो ये मिलकर काम करेगा इंडिया और नेपाल इस प्रोजेक्ट पे। यहां पर चाइना और कई सारी कंट्री की कंपनी भी थी पर ये प्रोजेक्ट मिला इंडिया को, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है। इसी के साथ में अगर बात करें जो एनर्जी जनरेशन की बात की जा रही है, तो एनर्जी जनरेशन तो हो ही रहा है, इसके साथ में एनर्जी ट्रांसमिशन भी हो रहा है। जनरेशन का मतलब होता है कि बिजली को बनाना, पर ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी को भेजना, तो वो भी काम किया जा रहा है। तो किस किस से यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रही है, हाइड्रो जो बेसिकली जो पानी से की जा रही है, इसी के साथ में हवा से की जा रही है, सोलर से की जा रही है और थर्मल से की जा रही है, तो ये वेरियस अलग अलग लेवल पर ये कंपनी काम करती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया, तो SJVN जो है जिसको हम लोगों ने अभी यहां पर समझा इसके बारे में, तो 24th May 1988 यानी कि 1988 में ये बेसिकली बनाई गई थी, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसको उस टाइम पर नाथपा जाकरी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते थे, ठीक है। फिर आज की डेट में इसका नाम SJVN हो गया, ठीक है। हालांकि आप लोगों से पूछ भी सकते हैं, नहीं भी, हल्का सा याद रखते हैं इसके साथ में, तो नाथपा जाकरी पावर कॉर्पोरेशन, पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, फिर इसका नाम चेंज करके अभी अच्छा सा नाम रखा गया, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है, मिलकर काम किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश है उसके द्वारा, यहां पर जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने का काम करता है यहां पर, ठीक है। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है यहां पर ये, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर जो आप लोग याद रखिएगा, ये कन्वर्ट करते हैं यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी में फिर ये जो मोटर वगैरह घूमता है फिर ये इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है टर्बाइन की हेल्प से, यानी कि पहले काइनेटिक एनर्जी होती है फिर यहां पर जाकर ये क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी होती है जब ये घूमता है, फिर जब यहां पर कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर के बाद में, तो उसके बाद में फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो तीन प्रोसेसर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो ये प्रोसेसर के थ्रू ये हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो काम करता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा डिटेल में हो गया पर लेकिन आप लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। बाकी ये नंबर है आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, तो अरुण ये रिवर का नाम है, बाकी हमारी कंट्री जो है यहां पर ये SJVN जो है ये आज के डेट में ये यहां पर 8960 जो मेगावाट लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नंबर है कोई नहीं पूछेगा, जो स्टार्टिंग में बताया वो आप लोग याद रख लेना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो बात की जा रही है ये नेशनल लेवल की न्यूज है और यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के बारे में। तो रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है। आज के में अगर आप लोग उस पे जाएंगे स्टेशन पर तो आप लोग ऐसा लगेगा बाबा आदम के जमाने का है, जो खासकर न्यू की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे अगर आप लोग जाएंगे। आज की डेट में हम लोग एक ऐसी ऐसी डेवलपमेंट की चीजें कर रहे हैं कि हम लोग मंगल ग्रह पर पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, पर लेकिन अगर चीजें देखी जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर देखने के बाद में ये लगता है कि नहीं यार अभी भी वहीं पर ही है। तो एक डेवलपमेंट होना काफी ज्यादा जरूरी है टाइम के साथ में, तो इसके साथ में एनर्जी और टाइम दोनों हम लोग सेव कर पाएंगे। तो रीडेवलपमेंट ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को बोला गया है फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये जो यहां पर बेसिकली जो फोकस करेगा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के थ्रू, तो ये NCR वाले रीजन में एक अच्छे डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो अप्रूव किसके द्वारा किया गया, तो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको अप्रूव किया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए और डेवलपमेंट करती है जो भी वैकेंट रेलवे की जो लैंड है उस पर काम कराने के लिए। जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जो यहां पर बेसिकली प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, ये लैंड यूज ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की कोशिश करते हैं। एम बेसिकली ये रहता है कि सस्टेनेबल जो अर्बन ग्रोथ किया जा सके, इसी के साथ में जो बेसिकली ऐसा एरिया है ना जो खासकर कोई पर्टिकुलर अगर बात करें कोई ऐसी यूज है जिसको यूज किया जा सकता है, कोई ऐसी लैंड है जिसको प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं, तो इसका पर्पज यही रहता है जो यहां पर वोकेबल यानी कि चलने लायक और लिवेबल रहने लायक जो एरिया है वो खासकर हाई डेंसिटी वाला जो मिक्स्ड लैंड यूज है उसको किस तरीके से प्रोडक्टिव वे में यूज किया जाना है, तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है यहां पर हमारी कंट्री में उसके चलते यहां पर ये काम करने की बात की जा रही है।
तो यहां पे ट्रेन स्टेशन, इसी के साथ में लाइट जो रेल और बस स्टॉप भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो हाई डेंसिटी जो मिक्स्ड यूज एरिया है उसको प्रॉपर वे में, खासकर लोअर डेंसिटी मिक्स्ड स्प्रेड जो एरिया है उसके आसपास वाले रीजन में, तो इसको ढंग से डेवलप किया जाएगा ताकि हमारी कंट्री में देखिए आज के टाइम काफी हैफजर्ड वे में चीजें बसा रखी है, तो उनको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन, अर्बेनाइजेशन, माइग्रेशन टू द सिटीज, और इसी के साथ में जहां पर काफी ज्यादा कंजेशन देखने को मिलता है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये तीन पिलर पर काम करेगा, इनेबल करेगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक तरीके से प्राइवेट टू पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन पर जो बेसिकली फोकस करेगा, एक्सेसिबल करेगा ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि प्रमोट करेगा ग्रीन मोबिलिटी को, एनकरेज करेगा लोगों को ताकि आप लोग वॉक करें आराम से, साइकिल चलाएं, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट में रहे, नेगेटिव इंपैक्ट जो रहेगा उसको दूर किया जाएगा, तो ये कोशिश करेगा। इसी के साथ में यहां पर जो वॉकेबल कम्युनिटी होती है तो वहां पर भी बेसिकली फोकस किया जाएगा, ठीक है, लिवेबल या फिर अफोर्डेबल जो एरिया है। तो कहने का मतलब यह कि एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेगा ताकि लोगों को अच्छा लगे कि यार ये सारी चीजें ना करके इनको ऐसे यूज कर लो, तो उनको वो चीज करने के लिए सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। स्टेट की न्यूज के बारे में बात करते हैं, छोटी सी न्यूज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है, बात की जा रही है जो बंगाला, ये क्या है बेसिकली इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरीके से बंगाल की जय, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, जिस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर रहते हैं उसकी जय बोली जा रही है एक तरीके से। ये जो है बेसिकली ये, इसके बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि स्लोगन कहां से निकल कर आया, तो यहां पर यह है पूर्णा, पूर्णा अभिनंदनन, ठीक है। तो ये यहां पर ये 1992 में काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें से ये स्लोगन निकल के आया। ये वही स्लोगन है जब 1971 में जब बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, बेसिकली बांग्लादेश और इंडिया साथ में थे और पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम पर ये नारा इनके द्वारा लगाया गया था अपने बांग्लादेशी जो भाई बंधु है उनको एक साथ मिलाने के लिए। पर अभी ये वेस्ट बंगाल में नारा लगाया जा रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अभी इलेक्शन में यहां पर कूदने जा रही है, तो इससे अपने जो भी लोग हैं वहां से उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, ब्राक वैली, इसी के साथ में मनभून डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर। ये पर्टिकुलर एरिया है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर ये इस तरीके के स्लोगन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और जो लोग यहां पर रहते हैं वो इसके साथ में कनेक्ट अपने आप को कर पाते हैं। तो जो जियोपॉलिटिकल कल्चर है, जो हिस्ट्रिकल जो रिलेशन है, जो बंगाल और इसी के साथ में यहां पर बंग माता जिसको मदर बंगाल बोला जाता है, तो इनको सबको एक कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है आज के डेट में जो तृणमूल कांग्रेस है उसके द्वारा, ताकि जो इलेक्शन में चीजों को एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जा सके। अच्छा, वेस्ट बंगाल से हमारे कितने फैमिली मेंबर है जो लेक्चर देखते हैं, आप लोग बताइए जरा वेस्ट बंगाल में आप लोग क्या लग रहा है कि क्या कंडीशन वेस्ट बंगाल में बन सकती है, आप लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोकल एरिया पे आप लोग रहते हैं तो आप लोग अच्छे से चीजों को बता पाएंगे। इसी के साथ में अगर यहां पर मैं बातें करूं मुक्ति भाईनी के बारे में, मैंने बात की थी, मुक्ति भाईनी वो फोर्स थी यहां पर एक तरीके से बंगाल की, एक वॉलंटरी आर्मी आप लोग बोल सकते हैं, जिसको हेल्प की गई इंडियन आर्मी के द्वारा ये पाकिस्तान की फोर्स के साथ में लड़ने के लिए। तो मुक्ति भाईनी जो है इसके द्वारा एक अच्छी वॉर लड़ी गई, और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में इन्हें काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। तो इनका भी स्लोगन था यहां पर जो बंगाला, ठीक है, जो बंगला, ठीक है, बंगला जो बंगला, ठीक है। तो ये था इनका स्लोगन यहां पर, तो जो बंगला या फिर नेशनल स्लोगन यहां पर बन गया था ये। इसी के साथ में इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, मार्च 2020 में बांग्लादेश का जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया जो बंगला एज ए नेशनल स्लोगन। तो मुक्ति वाहिनी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये फोर्स थी जो यहां पर काम कर रही थी काफी अच्छे लेवल पर, तो ये हमारी कंट्री के द्वारा इसको काफी सपोर्ट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अब की बार 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2021 में इंडिया और जो पाकिस्तान की वॉर थी जिसमें बांग्लादेश पैदा हुआ था, ठीक है, तो बांग्लादेश पैदा हुआ है, ये आप लोगों ने सुन लिया था ना, तो बांग्लादेश पैदा हुआ है तो ये इंडिया के द्वारा पैदा कराया गया बेसिकली पाकिस्तान में से निकाल के। ओके, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों से बात करूंगा यहां पर, जो कि इकोनॉमी के फील्ड में रिसेंटली अभी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल रहा है, इसका नाम है यहां पर शॉर्ट स्क्वीज। तो ये शॉर्ट स्क्वीज क्या है इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान देकर, पर लेकिन समझ में आ जाएगा आराम से। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं, वो एप्पल को बेच और खरीद रहा है, ठीक है, एप्पल खरीदे और बेचे जा रहे हैं। वो क्या करता है, उसको पता है कि ये जो एप्पल है ये सड़ा हुआ है अंदर से, और ये इस एप्पल को बेचना है इसको। वो क्या करेगा, उस एप्पल को बेचेगा इससे पहले कि ये और ज्यादा सड़ जाए, तो उस एप्पल को निकाल देता है थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर। पर लेकिन उसको पता चला वो जो एप्पल बेचे जा रहा है वो एप्पल खरीदने के लिए बहुत सारी जनता इकट्ठी हो गई। उसको पता था कि एप्पल जो है वो सड़ा हुआ है, पर उसको लगा यार इस एप्पल के अंदर कुछ अच्छा तो नहीं है, पता चला इस एप्पल के अंदर से हीरे निकल रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने खुद जो एप्पल बेच रहा था वो एप्पल खरीदने स्टार्ट कर दिए, यानी कि उसको लगा कि इन एप्पल के अंदर कुछ अच्छा निकलने वाला है, इतनी जनता कैसे खरीद रही है इनको, जबकि पता है कि यहां पर ये एप्पल सही नहीं है, तो उसको उस पर डाउट हो जाता है। तो एक तरीके से जो पर्सन ये काम कर रहा था खुद को खुद ही पर संदेह हो गया, और खुद ये भी उस एप्पल को खरीदने लगा। तो इससे क्या होगा, एप्पल का जो प्राइस है वो एकदम थोड़ा
बढ़ता हुआ मार्केट के अंदर नजर आएगा। ये एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, यानी कि समझने के लिए अब इसको थोड़ा सा आप लोग यहां पर कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। अगर बात करें एक साइड में बुल और दूसरी साइड में बियर, जब स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बुल और बियर को अगर बात करें तो बाई लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक चीजों को खींचकर रखना, यह बुल की कैटेगरी होती है। खासकर लंबे समय तक जो एक तरीके से जो स्टॉक वगैरह जो खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर वगैरह जो खरीदे बेचे जाते हैं, तो लंबे समय तक रखना। जो बियर होता है ये क्या करते हैं, ये जरा सा लगे कि इसको डाउन होने वाला है तो तुरंत उनको बेच दो, ठीक है, इससे पहले कि नुकसान हो जाए। तो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कम पेशेंस वाला इंसान है। तो हुआ क्या, अगर लगा कि कहीं पर किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर हैं वो गिरने वाले हैं, ठीक है, तो इसने क्या किया, तुरंत उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन पता चला जो ये बेच रहा है उसको और लोगों ने एकदम खरीदना स्टार्ट कर दिया, और जो वो गिरने वाले थे, जो यानी कि जो शेयर वो गिरने वाले थे यहां पर जब इसने बेचना स्टार्ट किया, वो एकदम हाई लेवल पर पहुंच गए। अब इसको लगा यार ये तो बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें हो गई, ठीक है, तो इसने भी उनको खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो जो शेयर था ये लगभग अगर यूरो में बात करें 210 यूरो का था, ये बढ़कर 1000 यूरो का हो गया। तो ये खुद जो इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश कर रहा था कि यार ये कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, ये खुद ही भी उसमें एक तरीके से बिलीव कर रहा था, पर लेकिन ये अनबिलीवेबल चीज हो गई, ये अनबिलीवेबल चीज हो गई, ये एकदम इतने हाई लेवल पर बढ़ गए ये जो शेयर थे, जो उसकी भी एक्सपेक्टेशन से बाहर चले गए। तो ये एक तरीके से इसको बोलते हैं यहां पर, इसको बोलते हैं यहां पर शॉर्ट स्क्वीज, ठीक है, यानी कि जो यहां पर मार्केट के ज्ञाता है अपने आपको समझते हैं ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, उनकी भी चक्कर से बाहर निकलकर जब चीजें ऐसे हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए कि एक पॉजिटिव फ्लो होने लगे मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर को जिसको बोल रहे थे या तो बर्बाद शेयर है, तो उसके लिए मार्केट में लोग टूटकर आने लगे तो उसका प्राइस एकदम बढ़ जाए। तो एक नया फिनोमिनन अभी यहां पर देखने को मिल रहा है जिसको बोला जा रहा है शॉर्ट स्क्वीज। ये शॉर्ट स्क्वीज जो है यहां पर ये अभी बात की गई, जो यहां पर बेसिकली शॉर्ट स्क्वीज जो है ये डिप्लॉय किया गया रेडिट आर्मी के द्वारा। तो रेडिट यहां पर एक पर्टिकुलर अगर बात करें इसको आप लोग देखते हैं, रेडिट यहां पर एक पर्टिकुलर एक सोशल न्यूज एग्रीगेशन है यहां पर, ये जो बेसिकली वेब कंटेंट है रेटिंग वगैरह या फिर जो एक डिस्कशन वेबसाइट का ही में आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके द्वारा जो यहां पर चीजें की गई तो उसको भी एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है कि ये क्या कंडीशन यहां पर चल रही है। तो उसी के चलते जो वॉल स्ट्रीट है यहां पर ये इसको स्कैन कर रहा है, तो मैटर क्या है और उसको समझने की कोशिश करेगा। ये वॉल स्ट्रीट पर्टिकुलर एक एरिया है यूएसए के अंदर में जहां पर है बड़ी बड़ी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट जो काम की चीजें होती हैं एक ही जगह देखने को मिलती है। अगर यूएसए की कभी पिक्चर आप लोग देखोगे तो वॉल स्ट्रीट की पिक्चर आप लोगों को दिखाते हुए नजर आएंगे। तो ये शॉर्ट स्क्वीज जो है ये टर्म यहीं से निकल कर आई कि एक ऐसा फिनोमिनन जहां पे जो शॉर्ट सेलर है वो एक तरीके से क्या कर रहे थे, जो उनको लग रहा था कि यहां पर गिरेगा, ठीक है, ये स्टॉक यहां पर गिरने वाला है, तो एक तरीके से पहले क्या कर रहे थे, एक तरीके से चीजों को जो करना चाह रहे थे उसके जस्ट अपोजिट में उनको चीजें करनी पड़ गई, एडवर्स इंपैक्ट उनको वहां पर एकदम देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अपने जो लॉस है उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने तुरंत चीजों को जिस बारे में वो सोच रहे थे उसका अपोजिट करना स्टार्ट कर दिया, तो तब ये कंडीशन आप लोग यहां पर इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये इसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। यहां पर भी आप लोग यहां पर ये लाइन देख सकते हैं लिखी हुई है कि जो शॉर्ट सेलर है वो बाय करता है यहां पर स्टॉक टू कवर हर लॉसेस, जो उसको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ये शॉर्ट स्क्वीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो बेच रहा था उसे भी बाय करना स्टार्ट कर दिया, उसको लगता है कि यार ये तो अलग ही डायरेक्शन में खेल होना स्टार्ट हो गया। तो ये जो वॉल स्ट्रीट है यहां पर ये लोअर मैनहट्टन ये पर्टिकुलर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके अंदर यहां पर कई सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो यूएसए के जो ब्रोकरेज और इसी के साथ में जो इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह हैं ये सबके हेडक्वार्टर आप लोगों को इसी एरिया में देखने को मिलेंगे, जो एरिया रिसेंटली अभी न्यूज में है, ठीक है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इंडियन नेवी के बारे में बात की जा रही है, हमारी कंट्री की जो डिफेंस फोर्स है उसके बारे में बात की जा रही है। तो डिफेंस की न्यूज है, क्या बात कर रहे हैं, INFAC T81 क्या है यहां पर, ये इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट। तो ये फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो आप लोगों को यहां पर पिक्चर में भी देखने को मिल रहा है, ये अभी हमारी कंट्री में डीकमीशन कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया, मोर देन 20 ईयर तक इसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। 25 मीटर का ये लंबा आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग 60 जो टन डिस्प्लेसमेंट इसके चलते अगर बात करें तो ये जो बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था कोलैबोरेशन में जो इजराइल की रामता जो कंपनी है उसके साथ में मिलकर इसको बनाया गया था। इंडियन नेवी में इसको कमीशन किया गया था 1999 में, ये आज की डेट में हम लोग बात करें तो इसको 2021 में डीकमीशन किया गया। तो लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो 20 साल से भी ज्यादा इसने काम किया। जो डिजाइन किया गया था यहां पर ये स्पेशली डिजाइन किया गया था सैलो वाटर, यानी कि जहां पर कम पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर भी ये
लिए नाइट सर्विलेंस कर सके, यानी कि जो कोस्टल एरिया है वहां पर नाइट सर्विलेंस कर सके, कोई भी अगर इंट्रूडर आ रहा है या कोई भी एक्स्ट्रा कोई ऐसी एक्टिविटी होती है बीच वाले एरिया में कोई डूब रहा है तो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला सके, तो ये सारे इंस्पेक्शन कर सके हाई स्पीड में, ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते थे। तो काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराने का हमारी कंट्री में ये काम करता था। गोवा सीपीआर जो लिमिट है ये हमारी कंट्री में 1957 में बनाई गई थी, गोवा के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारी कंट्री में, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में इजराइल एक कंट्री है जिसके साथ में मिलकर ये काम किया गया था, जेरूसलम जिसकी कैपिटल है और बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्राइम मिनिस्टर है, तो ये बात की जा रही है इजराइल के बारे में, ठीक है। इसराइल के साथ में अगर हम लोग आगे बात करें यहां पर, ये नेवल जो डॉकयार्ड बिल्डिंग है यहां पर, ये तो ये बॉम्बे डॉकयार्ड या फिर आप लोग नेवल डॉकयार्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। हमारी कंट्री में इंडियन सी बिल्डिंग यार्ड है मुंबई के अंदर में, ठीक है, तो ये हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट लोकेशन है, खासकर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में नेवी के बारे में बात करें तो ये हमारी कंट्री की जो नेवी है काफी पुरानी है, जिसके बारे में याद रखिएगा रॉयल नेवी बोला जाता था 1947 से लेकर 1950 तक, इससे पहले जो बनाया गया था लगभग 1612 में हमारी कंट्री में जो फाउंड की गई थी चीजें, हमारी कंट्री की नेवी काफी पुरानी है आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तो क्योंकि हमारी कंट्री के रिलेशन भी पहले ईरान के साथ में और दूसरी कंट्री के साथ में आप लोगों को देखने को मिलते थे। 4 दिसंबर जो है हमारी कंट्री में वो नेवी डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ये कुछ चीजें इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है एनवायरमेंट के बारे में, तो ये इंटरेस्टिंग न्यूज है, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट डालने वाली है। ये बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया ग्रीन टैक्स। ग्रीन टैक्स क्या है, यानी कि एक तरीके से जो पोल्यूशन है उसको कम करने का काम करेंगे, जो पुराने व्हीकल हैं उनको कंट्री में से साफ किया जाएगा। ये किसके द्वारा किया गया, ये नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है, ओल्डर देन 8 ईयर, उनको क्या किया जाएगा, रिन्यू करने की बात की जाएगी। जब फिटनेस रिन्यू करने की बात आएगी तो 10 से लेकर 25% तक उनके ऊपर रोड टैक्स लगेगा। समझने की कोशिश करेंगे कैसे कैसे क्या क्या बात की जा रही है। बेसिकली जो रिवेन्यू कलेक्शन है ये ग्रीन टैक्स में यूज किया जाए, जो ग्रीन टैक्स में इकट्ठा होगा उसको पोल्यूशन को कम करने में फिर यूटिलाइज किया जाएगा, कि पोल्यूशन को कैसे कम करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टिकुलेट जो मैटर है यहां पर ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है, इवन जो न्यू बॉर्न बेबी है उनके ऊपर भी। अगर बात करें जो व्हीकल है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल हो गए, यानी कि जिसमें आप लोग जो डीजल पेट्रोल से भी चलाते हैं, आप लोग उनको गैस से भी चलाते हैं, ठीक है, ये व्हीकल हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, या फिर आप को अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे सीएनजी एथेनॉल या एलपीजी वाले व्हीकल हो गए, ठीक है, ये सारे व्हीकल जो हैं, या फिर ट्रैक्टर हार्वेस्टर या फिर टेलर जो हो गए यहां पर, इनको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है यहां पर, यानी कि इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर भैया टैक्स किसके ऊपर लगेगा, तो ये बता दो। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि यहां पर ये कौन सी मिनिस्ट्री काम कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे काम कर रही है। तो क्वेश्चन बोलोगे कहां से आ गया, तो यहां से आ गया, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनते ही नहीं है, फिर बोलते हैं सर क्या पढ़ा दिया। पर्सनल जो व्हीकल है 15 साल तक यहां पर आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, तब उसके बाद में रिन्यूएबल रजिस्ट्रेशन लगेगा। पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है इसके बारे में अगर बात करें तो यहां पर एक तरीके से ये ऐसे जो व्हीकल है इस पर कम लगाया जा रहा है, ये लोअर जो ग्रीन टैक्स है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि लोग बाग जो है यहां पर इस वाले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, ना कि पर्सनल व्हीकल को, ठीक है। हायर ग्रीन टैक्स के बारे में बात करें तो 50% तक भी यहां पर रोड टैक्स लगेगा, जैसे हाई पोल्यूटेड सिटी है, जैसे कि दिल्ली के बारे में अगर आप लोग बात कर लीजिए, तो जो दिल्ली वाले एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगने वाला है अच्छा खासा। डिफरेंशियल जो टैक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पेट्रोल वाले व्हीकल पर कम और डीजल वाले पर ज्यादा लगेगा, क्योंकि डीजल वाले जो व्हीकल होते हैं वो ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं एज कंपेयर टू जो पेट्रोल वाले होते हैं, ठीक है। तो एक और ये फंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो ग्रीन टैक्स है यहां पर ये आप लोगों को अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये प्रपोजल है, अभी देखते हैं कैसे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। बोला जा रहा है कि राज्य के साथ में कंसल्ट किया जाएगा, उसके बाद में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और कोई भी आर्बिट्रेरी चीजें नहीं देखने को मिलेगी, मनमानी ऐसे ही फालतू में इंप्लीमेंट कर दिया, प्रॉपर डिबेट डिस्कशन के साथ में काम होगा। यानी कि ऐसे नहीं है जैसे फार्म एक्ट हमारी कंट्री में लाए गए तो प्रॉपर वे में डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ, तो वो सारी चीजें फिर बाद में पता चला सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो पता चला सारे राज्यों ने इंप्लीमेंट करने से मना कर दिया, तो वो कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, तो उससे बचा जाएगा, ठीक है। तो ये सारा शॉर्ट फॉर्म में यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें तो 10 से लेकर 25 रोड टैक्स लगने वाला है आफ्टर 8 ईयर। पैसेंजर व्हीकल पे 10 से 25 यहां पर 15 साल के बाद में। इलेक्ट्रिक और हाइड्रिड और फार्मिंग व्हीकल को एग्जेम्प्ट किया गया। वही सारी बातें शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन के पॉइंट ऑफ से मैंने डाल दी, ताकि अगर रिवीजन भी करो तो आप लोग इसको आराम से एंजॉय कर सको, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट बात करें एजुकेशन के बारे में, यह भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है एसटीएआरएस के बारे में। यह क्या है एसटीएआरएस?
STARS है यहां पर, स्ट्रेंथनिंग द टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। देखिए टीचिंग और लर्निंग यानी कि जो पर्सन पर्टिकुलर जानता है। देखिए एक टाइम पर मैं भी ऐसा था कि मैं था के मतलब हूं अभी स्टूडेंट यानी कि पढ़ रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि कहां कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो पर्टिकुलर पर्सन ये चीजें समझ पाता है कि हाँ ये स्टूडेंट है इसको कहां प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि वो सेम भी यही सेम दिक्कत फेस करके है, तो उस टाइम पर वो जानता है कि बच्चों को कैसे समझाना है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम आज के डेट में आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कल को अगर फ्यूचर में किसी और को कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो आप लोग तुरंत पकड़ जाएंगे। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दूंगा। जैसे आज के डेट में मान लीजिए आप लोग किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आप लोगों को पता रहेगा क्या क्या वहां पर चीजें अच्छी देखने को मिलती है, क्या क्या बुरी देखने को मिलती है। तो कल को अगर कोई रिलेशनशिप में जा रहा है तो आप लोग उसको दुनिया भर का ज्ञान बांट सकते हो कि भाई साहब ऐसे मत करना, ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसे कर लेना ये सही रहेगा। तो ये सारी चीजें आप लोग एक दूसरे को बता सकते हो, तो वो एक्सपीरियंस बोलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग एक अंदर से एक्सपीरियंस निकल के आएगा। तो वही बातें की जा रही है। तो अगर कोई टीचर है, अगर वो स्टूडेंट को समझेगा तो वो तभी समझ पाएगा जब वो स्टूडेंट के लेवल पर जाकर सोचेगा। तो इसके बारे में बात करें, अगर एग्रीमेंट फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट, तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जा रही है इंप्लीमेंट करने के लिए स्टार्स यानी कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड द रिजल्ट ऑफ द स्टेट। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काम कर रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम चेंज किया गया, पहले ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको बोला जाता था। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर काम कर रहा है, इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखना आप लोगों, वर्ल्ड बैंक काम कर रहा है। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये सारे काम करें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आप लोगों को यहां पर, ये ओवरऑल जो मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस देकर चलेगा। यानी कि इंडियन जो स्कूल है, एजुकेशन जो सिस्टम है, उसमें लगभग 6 स्टेट जैसे कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये केरला, उड़ीसा, तो यहां पर ये प्रोग्राम जो है यहां पर भी काम करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत यहां पर काम करेगा। यानी कि सेंटर की साइड से चीजें सपोर्ट की जा रही है। पहले सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जहां पर सेंटर और स्टेट जो है वो मिलकर काम करते हैं। यानी कि कुछ सपोर्ट सेंटर देगा और कुछ सपोर्ट स्टेट देगा, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। सेंट्रल की सेक्टर स्कीम कौन सी होती है? सेंट्रल की सेक्टर स्कीम होती है जहां पर केला सेंटर ही काम करता है, यानी कि सेंटर ही सारा काम करेगा वहां पर। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड जो लिटरेसी यहां पर ये यहां पर इसके अंडर में ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो ये काम करेगा यहां पर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, एंटरप्रेन्योर कैसे यहां पर और स्किल डेवलपमेंट कैसे होना है। तो स्टार्ट टू बूस्ट की बात यहां पर की जा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारी कंट्री में रमेश पोखरियाल जो कि यूनियन मिनिस्टर है 1985 में बनाई गई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और ये आज की डेट में अगर बात करें वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर में। डेविड मॉलपॉस इसके प्रेसिडेंट है आज के डेट में, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसके पापा है, इनके पिताश्री है इसके। 1944 में इसको बनाया गया था, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो आप लोगों को देखने को मिली थी IMF और वर्ल्ड बैंक एक साथ में। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी ये मैंने आप लोगों को बताई थी यहां पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी है। नॉर्मली जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, इंप्लीमेंट स्टेट एजेंसी करती है, जैसे MGNREGA हो गया, नेशनल जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो गया, पीएम जो किसाई जो पीएम कृषि जो सिंचाई योजना हो गई। ठीक है, बाकी मुद्रा, भारत नेट, ये सारी सेंट्रल जो यूनियन लिस्ट के अंदर में आती है। बाकी अलग अलग कैटेगरी में होता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में यहां पर किसी में तो 90-10 का रेशियो देखने को मिलेगा, यानी कि 90 गवर्नमेंट सेंटर देगी, 10 स्टेट देगी। बाकी 70-30 भी देखने को मिलता है, 70 सेंटर देगी, 30 यहां पर स्टेट देगी, 60-40 भी देखने को मिलता है, इवन कई जगह 50-50 भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यह है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। साइंस एंड टेक की काफी इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर, कुछ नया आप लोगों को जानने को मिलेगा इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर। नया क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बात की जा रही है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बार्क आप लोग बोलते हैं। बार्क जो है यहां पर ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं। इसके द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सेंट्रल जो बेसिकली सेंटर नहीं मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो मिलकर काम करेगी प्राइवेट के साथ में, एक रिसर्च रिएक्टर बनाएंगे ताकि प्रोड्यूस की जा सके न्यूक्लियर मेडिसिन, यानी कि जो न्यूक्लियर डिवाइस होती है आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको कैसे यूज किया सकता है दवाई के तौर पर ये देखा जाएगा। तो प्रपोज की जा रही है यहां पर प्राइवेट जो एंटिटी है यहां पर, ये एक्सक्लूसिव राइट रहेगा यहां पर एक तरीके से, प्रोसेस और मार्केटिंग के तौर पर आइसोटोप प्रोड्यूस किए जाएंगे रिसर्च रिएक्टर के लिए, ताकि उनको फिर आगे चलकर एक प्रोसेसर फैसिलिटी में डाला जा सके। ये मई 2020 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि ऐसे रिसर्च रिएक्टर बनाए जाएंगे हमारी कंट्री में, और आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को फॉलो करके चला जाएगा। मतलब क्या है इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें। बेसिकली आप लोग पहले समझने की कोशिश कीजिए
कि जो न्यूक्लियर मेडिसिन है इसके बारे में कैसे बात की जा रही है। जो रेडियो एक्टिव तत्व आप लोगों ने देखे होंगे वो होते हैं जिनको टाइम टू टाइम जिनका आप लोग देखते हैं कि वो घटते रहते हैं, उनका वेट चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। अगर उनके बारे में बात करें अल्फा बीटा गामा रेडिएशन उनके अंदर से निकलते रहते हैं। तो ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका वेट इक्वल रहता है, ठीक है, जिनका जो एटॉमिक नंबर इक्वल रहता है। आइसोबार भी होते हैं जिनका वेट आप लोगों को लगभग इक्वल देखने को मिलेगा। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो है ये आप लोगों को जो रेडियो न्यूक्लियोसाइड है वो यूज किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, रिसर्च के लिए। तो ये इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरल जो रेडियो न्यूक्लियोसाइड है यहां पर ये बेसिकली इम्बेलेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं उनमें इम्बेलेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो बात की जा रही है आर्टिफिशियल रेडियो न्यूक्लियोसाइड्स जो यहां पर हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो बेसिकली एक तरीके से बम्बार्डमेंट की जाती है पार्टिकल की एक्साइट करने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पर यहां पर आर्टिफिशियल देखने को मिलेगा। नेचुरल तरीके से अगर अपने अंदर से यहां पर निकल रहे हैं अल्फा बीटा गामा इस तरीके से जो रेज निकलते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जब इम्बेलेंस इनके अंदर होता है तो ये नेचुरल तरीके से होता है, पर लेकिन जब अलग से जब बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये आर्टिफिशियल देखने को मिलेगा। तो दो कैटेगरी में इसको यहां पर डिवाइड किया गया और फिर इसको मेडिसिन की तरीके से यूज करने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको मेडिसिन की तरीके से यूज किया जा सकता है। तो कौन काम कर रहे हैं यहां पर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि यहां पर जो इसी के बारे में बात की जा रही है पर्टिकुलर एरिया के जो न्यूक्लियर चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ये डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आते हैं, ये याद रखना। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है, 1954 में बनाया गया था इसको। आज की डेट में के एन व्यास इसके चेयरपर्सन है, फाउंड किया गया था होमी जहांगीर भाभा साहब के द्वारा 1954 में। तो ये कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में जो आप लोग याद रखेगा, ठीक है, बाकी हम लोगों ने देख लिया। इसके बारे में अगर कुछ और बातें करूं मैं आप लोगों से, जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो रेडियो आइसोटोप होते हैं उनके यूज करके मेडिसिनल यूज के लिए यूज किया जा रहा है, खासकर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। आज की डेट में ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें जो न्यूक्लियर मेडिसिन है ये लगभग 6 बिलियन की मार्केट आज के डेट में हो चुकी है और 2030 तक बोला जा रहा है ये लगभग 30 बिलियन की होने वाली है। तो इंडिया में अगर यहां पर आइसोटोप प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑल कैटेगरी के, तो हम लोग भी इसमें इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। तो यानी कि जब इनिशियल फेज होता है अगर उस टाइम पर हम लोग काम कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है, तो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है और बात की जा रही है यहां पर येरवाड़ा सेंट्रल जेल के बारे में। ये येरवाड़ा सेंट्रल जेल को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अभी जेल टूरिज्म इनिशिएटिव के लिए यहां पर ओपन किया जा रहा है, जो कि काफी इंपोर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। 150 साल पुरानी जेल है येरवाड़ा सेंट्रल जेल, पुणे के अंदर है महाराष्ट्र के। कंस्ट्रक्शन जो इसका किया गया था ये 1866 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। ये सेंट्रल प्रिजनर है यहां पर जो कि जेल महाराष्ट्र के अंदर, और ये वही है जहां पर लार्जेस्ट मैक्सिमम जो सिक्योरिटी जो प्रिजनर है आप लोगों को अगर बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो 16 जो फंक्शन जो प्रिजनर है यहां पर आज के डेट में 19th सेंचुरी में, तो ओल्डेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। जो यहां पर बाइकुला डिस्ट्रिक्ट जो प्रिजन है मुंबई के अंदर में जो स्टार्ट किया गया था 1840 में, ये कई बार इंडिपेंडेंट के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। खासकर अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, महात्मा गांधी जी को इम्प्रिजन किया गया यारवाड़ा जेल में 3 बार। एक तो 1922 से लेकर 1924 तक देखने को मिला, दूसरा 1932 से लेकर 1933 तक देखने को मिला, और फिर 3 डे के लिए भी इनको 1933 में यहां पर इस जेल के अंदर डाला गया। ये वही जेल है जहां पर महात्मा गांधी जी के नाम पर गांधी यार्ड भी रखा गया है, जहां पर हिस्टोरिक पूना पैक्ट देखने को मिला था। पूना पैक्ट क्या था, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में ये पैक्ट साइन किया गया था, और गांधी जी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी यहां पर कि ये साइन करने की हालत में भी नहीं थे, तो उस टाइम पर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यहां पर आकर साइन किया गया था बिहाफ ऑफ द गांधी जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट में पूछा जा चुका है, याद रखना, ठीक है। तो यारवाड़ा जेल के बारे में यहां पर ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर महाराष्ट्र से आप लोग बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें जो याद रखते हैं, कैपिटल मुंबई, जो इसी के साथ में जो भगत सिंह कोशियार है यहां पर गवर्नर है, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है। बाकी यहां पर इसके बेसिक जो महाराष्ट्र से रिलेटेड सिंबल है यहां पर कि मैमल क्या है, बर्ड्स क्या है, इंसेक्ट्स क्या है, तो इसको पोज कर आप लोग देख लेना अगर महाराष्ट्र से आप लोग आते हैं तो, ये आप लोगों के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब आप लोगों को स्पेस में लेकर चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात करेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, तो उसको समझने के लिए मैं आप लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाना चाहूंगा, तो आगे आप लोग अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये है आप लोगों के सामने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। ये कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये स्पेस के अंदर एक स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएगी जहां पर जो कई दिनों तक लोग जाकर रहते हैं,
और वो एक तरीके से अगर उनको आगे भेजना है कहीं पर तो यहां पर तैयार किया जाता है उनको, ठीक है। बेसिकली कई सारे लोग यहां पर घूमने के लिए भी जाते हैं, यानी कि अभी यहां पर एक तरीके से टूरिस्ट एक्टिविटी के पॉइंट से भी कई बार इसको यूज किया जाता है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूं तो यहां पर रिसर्च के पॉइंट ऑफ से नॉर्मली साइंटिस्ट को भेजा जाता है, ठीक है, जो यहां पर कई कई महीने तक साइंटिस्ट रुक कर आते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंप्लीटली यहां पर खत्म हो जाता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो ये इसलिए यहां पर बिल्कुल ऐसा माहौल मिलता है जैसा कि अगर कोई स्पेस में जा रहा है तो उसको यहां पर बिल्कुल उसी तरीके से रखकर तैयार किया जाता है, ठीक है। कई सारी आप लोगों को यहां पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं यहां पर, तो इस तरीके से, वन सेकेंड, कुछ और ही खुल गया था स्पेस स्टेशन से कहीं और पहुंच गए, स्पेस स्टेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा देखने को आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। तो इसी के बारे में नेक्स्ट यहां पर ये न्यूज है, न्यूज क्या निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यहां पर एक इजरायली फाइटर पायलट जाएगा, अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर जाएगा और कैनेडियन इन्वेस्टर जाएगा। तो यहां पर ये तीन पर्सनैलिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी और चलाने वाले जो है यहां पर ये राइट साइड में है, ठीक है, जिनका नाम है माइकल लोपेज अल्जेनिया, ठीक है। तो ये यहां पर पायलट के तौर पर जाएंगे और ये तीनों यहां पर मजा लेने जाएंगे। तो ये बेसिकली पहले भी ऐसा हुआ है कि अगर कोई घूमने जाना चाहता है तो यहां पर जो थ्री मैन है वो $55 मिलियन यहां पर पे करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 1 मिलियन में जो होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, तो 55 मिलियन की बात की जा रही है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, दिया आप लोगों को 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 55 मिलियन को जब आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 550 लाख हो जाएंगे। पर लेकिन फिर आप लोग डॉलर की बात करें, अब इस डॉलर में आप लोग लगभग 70 रुपए का मल्टीप्लाई करो तो उतने पैसे देकर यहां पर ये जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम लोगों के बस की तो बात है नहीं, ठीक है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो ये काफी ह्यूज मनी खर्च कर यहां पर जा रहे हैं। और ये जो फ्लाइट है यहां पर, ये कमर्शियल फ्लाइट आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये बेसिकली एग्रीमेंट है यहां पर नासा के साथ में, और जो स्पेस एक्स यानी कि इलोन मस्क की जो कंपनी है वो यहां पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है। किसके साथ में मिलकर यहां पर, ये है यहां पर एक्सोमा स्पेस के साथ मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है, यू यहां पर इसके बारे में याद रखेगा। स्पेस एक्स ड्रैगन 2 जो है ये बेस्ट नोन है इसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, जैसी फ्लाइट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए जो अमीर कंट्री है ना वो ऐसी हरकतें करती हैं, पैसा कमाने के लिए रशिया भी यहां पर यूज करती है, तो रशिया की जो एजेंसी है यहां पर वो भी इस तरीके से पैसे कमाती है। रशिया में जो यहां पर फ्लाइट आप लोगों को देखने को मिलती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 2001 से, ठीक है, रशिया का जो सियोज करके यहां पर एयरक्राफ्ट है वो प्रोवाइड कराते हैं प्रोफेशनल फ्लाइट। तो जिसके पास में पैसा है अगर वो इस तरीके से उसको एंजॉय करना चाहता है तो वो एंजॉय कर सकता है भाई साहब। अच्छा मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में कहीं से 10-12 करोड़ रुपए आ जाए तो आप लोग उनके पैसों उन पैसों का क्या करोगे? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों के पास में एक ह्यूज मनी आ गई है तो कैसे आप लोग उसको यूज करना पसंद करोगे? स्पेस एजेंसी यहां पर नासा रसे की होगी, रोसकोसमोस होगी, सॉरी नासा यूएसए की होगी, रोसकोसमोस रसे की होगी, जाक JAXA यहां पर ये होगी किसकी, जापान की, ESA होगी यहां पर यूरोपियन यूनियन की, CSA किसकी है ये आप लोग बताइए, चलिए ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके बारे में इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इसको। यहां पर एक्सोम स्पेस जो है ये भी यूएसए की है, यहां पर 2016 में बनाई गई थी, और ये इलोन मस्क के द्वारा स्पेसएक्स ये 2002 में बनाई गई थी। तो ये इसके बारे में, बाकी अगर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप लोग बाहर से देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है, ये एग्जैक्ट पिक्चर जो आप लोगों को दिख रही है तो ऐसा कुछ कुछ आप लोगों को नजारा यहां पर दिखाई देगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर देखा, ये इंपोर्टेंट कोटेशन थी जो आप लोगों के द्वारा शेयर की गई थी, इंपोर्टेंट डे हम लोगों ने देखा, और डे के साथ में मैंने आप लोगों को ये प्यारा सा क्यूट सा ये माहौल दिखाया, मुझे काफी अच्छा लगा यार पर्सनली, मतलब मुझे काफी शांति सी मिली दिल को देखकर, एक प्यारी सा एक एक सीनरी टाइप में जो देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर एक इंपोर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज जानी हम लोगों ने इंडिया और नेपाल के बारे में, तो काफी प्यारी न्यूज थी यहां पर ये। इसी के साथ में यहां पर जो बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों से बात की कैसे कैसे ये पानी वगैरह यूज कर कैसे यहां पर चीजें बनाई जा रही है, तो डिटेल में समझा। इंडियन रेलवे के बारे में हम लोगों ने बात की, किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, तो ये समझा। स्टेट के बारे में जो न्यूज थी हम लोगों ने जियो बंगाला के बारे में चीजें कुछ जानने की कोशिश की, क्या क्या बातें की जा रही है। इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने सोड स्क्वीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी। इसी के साथ में अगर बात करें डिफेंस के बारे में भी हम लोगों ने कुछ इंपोर्टेंट न्यूज समझी, INFACT के बारे में,
तो ये इंटरेस्टिंग न्यूज थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की एनवायरमेंट के बारे में, तो ग्रीन टैक्स क्या होता है, कैसे कैसे लगता है, वो सारी बातें हम लोगों ने जानी। इसी के साथ में एजुकेशन के बारे में बात करें तो हम लोगों ने STARS के बारे में समझा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। नेक्स्ट साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में हम लोगों ने समझा। इसी के साथ में स्पेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने बात करें तो यारवाड़ा जेल के बारे में समझा, और स्पेस के बारे में हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देखी। ठीक है, तो यहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, बाकी ये क्विज है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट कीजिए। वर्ल्ड वेटलैंड जो डे है उसकी थीम आप लोगों को बतानी है, SGVN क्या है ये आप लोगों को बताना है। जो यहां पर बात की जा रही है काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा कौन सी पोएम लिखी गई उसका नाम आप लोगों को बताना है। INFAC ये क्या है इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कौन सी मिनिस्ट्री ग्रीन टैक्स के बारे में बात करी और कितने से कितने तक ग्रीन टैक्स देखने को मिल सकता है। STARS की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, कौन मिलकर और यहां पर काम कर रहे हैं। BARC क्या है यहां पर, ये कौन सी मेडिसिन बना रहे हैं। और प्रिजनर जो है यहां पर उसमें अभी टूरिज्म की बात की जा रही है, ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि लगभग 150 साल पुराना है। तो ये थे क्वेश्चन, आइए अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यूनियन बजट के बारे में बात की थी 2020 में, तो टारगेट था 2.1 लाख करोड़। ठीक है, अभी जो है फिलहाल जो बजट आया उसमें क्या टारगेट है, जो मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था, और कितना अचीव किया गया ये आप लोगों से पूछा मैंने इसमें। इसी के साथ में पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट के बारे में जाना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। लेटेस्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ये आप लोगों को बताना था। कौन सा IIT है जो एनीमिया के बारे में बात करता है 2.5, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बेसिकली जिसके चलते यहां पर बीमारी देखने को मिलती है एनीमिया की। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसी के साथ में जो रिपब्लिक डे में कौन कौन सी कंट्री की और यहां पर जो मिलिट्री है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, बांग्लादेश तीसरे नंबर की कंट्री है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, महाराष्ट्र के बाद में कौन सा राज्य यहां पर आता है। तो सबसे पहले तो यहां पर बात करें तो ये 2.1 लाख करोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो 17.9000 ये अभी यहां पर रिकवर किया गया, जो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे थे। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। IMF जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक प्रस्तुत करता है। IIT दिल्ली के द्वारा एनीमिया के बारे में बताया गया, जो कि पार्टिकुलर मैटर 2.5 की वजह से हो रहा है बच्चों में आज के डेट में। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो UNCTAD बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। फ्रांस और ऑलरेडी UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो मिलिट्री हमारी कंट्री में पार्टिसिपेट कर चुकी है। ठीक है, 26 जनवरी की परेड में। टाटा ट्रस्ट के बारे में याद रखेगा, जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बात करें। इसी के साथ में तमिलनाडु है महाराष्ट्र के बाद में, जहां पर जो जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो एक अच्छा राज्य है। बाकी सुनील के द्वारा काफी प्यारे आंसर दिए गए, रियलिटी में माइंड ब्लोइंग आंसर, कितने शानदार तरीके से बंदे के द्वारा आंसर लिखे गए हैं। कल की वीडियो के नीचे मैंने पिन कर रखे हैं, कल की वीडियो जब खोलोगे तो सबसे ऊपर कमेंट में आप लोगों को ये आंसर देखने को मिलेंगे, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग आंसर है, काफी डिटेल में सारे आंसर यहां पर दिए गए हैं, काफी अच्छा लगा मुझे इसी तरीके से आंसर आप लोग देते रहिए। PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।